मुल्क को महंगा और बैरूनी ईंधन जलाकर तवानाई पैदा करने वाले मंसूबों से निकालकर सस्ती और साफ तवानाई पैदा करने पर तरजीह देने के लिए निजी तंजीम की जानब से चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अवामी फोरम का इनकाद किया गया। मकसद ये है कि हम लोगों की और सियासी पार्टियों की शमूलियत को यकीनी बनाएं कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से जो असरात हो रहे हैं और लोग इस तरीके से मुतासर हो रहे हैं उनकी जो है उन असरात को कम किया जा सकता है। अवामी फोरम में सियासी समाजी शख्सियात, वकला बरादरी, बिजनेसमैन कम्युनिटी, सोशल वर्कर्स ने शिरकत की। सेशन का मकसद ये था कि हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया का मसला है और ये इंटरनेशनल इशू है, इसके हवाले से हमें अपनी सोसाइटी को किस तरीके से ग्रीन एनर्जी की तरफ ट्रांसफर करना है। तकरीब में मौसमियाती तब्दीली के हवाले से दरपेश मसाइल को हल करने और सोलर एनर्जी और बायोगैस जैसे मनसूबों पर अमल करके सस्ती तवानाई पैदा करने के मंशूर को अपनाने पर जोर दिया गया। चीज़ें ग्रीन पाकिस्तान के लिए हमारे पास होनी चाहिए, जिस तरह बायोगैस है, प्लांटेशन ज़्यादा है, सोलर है, उस चीज़ के ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत। तकरीब के शुरका ने तवानाई के शोबे में बढ़ते गर्दशी कर्जे को काबू करने के लिए IPDP के इकदामात को सराहा और मुकम्मल साथ देने की यकीन दहानी करवाई। कैमरा टीम के साथ मुनीर बलोच, K21 न्यूज़, रहीम यार खान।